We'll be right back.
सो हे गाइस, वेलकम टू द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ क्लेक्सन प्रो लीग। मैं हूं आपका दोस्त स्क्वाडन, और टुडे वी आर हियर इन द मैच ऑफ आर फाइनलिस्ट ऑफ क्लेक्सन प्रो लीग। टीम में हम एंडर रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, एंड देखते हैं कौन सी टीम अपने हाथ में ये मैच ले जाने वाले, जो कि होने वाला एक बेस्ट ऑफ सेवन फॉर्मेट मैच, विच क्लियरली मीन्स अगर आप पहले 4 राउंड जीतते हो तो आप हो जाओगे विनर। एंड देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे पहले 4 राउंड अपने खाते में ले जाने वाले हैं। सो बोथ ऑफ द टीम्स आर सो फैंटास्टिक। टीम में हम एंड रेकनिंग ई स्पोर्ट्स बोथ आर सो ग्रेट इन दियर गेम प्ले। द फर्स्ट राउंड इज सर्च एंड डिस्ट्रॉय स्टैंड ऑफ मैप, एंड रेकनिंग ई स्पोर्ट्स गॉट द बॉम्ब प्लांटेशन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर एज टीम में हम गॉट द बॉम्ब डिफेंडिंग पार्ट। द टारगेट इज ऑफ 6 पॉइंट्स, एंड जो भी पहले ये 6 पॉइंट्स अचीव कर लेगा वो हो जाएगा पहला राउंड का विनर, बट सिर्फ पहले राउंड का विनर। उसके बाद में 3 राउंड जीतने होंगे तभी कहीं जाके इस मैच के विनर बन पाओगे। So it's gonna be difficult for every team. Vegas is sniping from his team and Learn भी अपनी टीम से sniping कर रहे हैं। So दो snipers team में हमके तरफ से देखने को मिल रहा है, but अभी एक difficult scenario create होने वाला, but Learn secured one kill for his team and एक hit marker भी देते हैं। शानदार hit marker ने किया, Vegas ने kill secure किया, but यहाँ पे Learn होंगे finish off and Neutrino आज के अपने teammates के backup के लिए। Reckoning Esports is in a 2v4 situation and शायद ही उनके हाथ में एक point जहाँ पर चीजें हुए बहुत ज़्यादा lit and को किया जाएगा finish off by Vegas with that DLQ shot, and Mayhem is in a 3v1 situation right now, जिनको आराम से वो शायद ये क्लच कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बट श्री के पास में भी चॉपर है, तो चॉपर से शायद वो यानी क्लच को अंजाम दे सकते हैं, बट ही डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। साथ साथ बॉम्ब भी उनके पास में नहीं है, एंड देखते हैं 30 सेकंड वो यहाँ पे क्या कर पाते हैं, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट चीज उनके लिए। एंड वेगस उनको फाइनली फिनिश ऑफ कर चुका है, जिसके चलते पहला पॉइंट होता हुआ टीम मेहम का, एंड मेहम यहाँ पे बढ़िया तरीके से एक पॉइंट अपने हाथ में ले जा चुके हैं। बट रेकनिंग ई स्पोर्ट्स की तरफ से भी एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत देखने को मिली थी, जिन्होंने बढ़िया तरीके से यहाँ पे यू नो एक टफ कॉम्पिटिशन दिया टीम मेहम को, बट अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट उनके हाथ में नहीं जा पाया। लेकिन आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, मे बी दे कैन यू नो मेक अ टाई बिटवीन 1:1, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 बस एक ही करके फिनिश ऑफ हो चुका है। वेगस तरफ से हुई शुरुआत, न्यूट्रिनो शायद उस चीज को एंड करना चाहते हैं, 2+ को उन्होंने पहले इनर फिनिश ऑफ कर दिया, एंड ब्रोस की तरफ से रहा लास्ट किल, एंड सेकंड पॉइंट होता हुआ टीम मेहम का विद जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई, उन्होंने पूरा का पूरा राउंड खत्म कर दिया है द सेकंड राउंड ऑफ दिस सर्च एंड डिस्ट्रॉय मैच। ग्रेट ब्रो, मेहम इज जस्ट डोमिनेटिंग राइट नाउ। ये वाला पॉइंट तो बहुत ही सही तरीके से निकाला गया उनके द्वारा। तो मिश अपनी टीम से इस बार बॉम्ब पिक किए हुए हैं, थोड़ा सा प्रेशर में जरूर से खेल रहे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, एंड इस बार पुश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हल्का सा पुश ही किया था उन्होंने, एंड वो फिनिश ऑफ विद द बट इस बार बहुत ही बढ़िया एडवांटेज में आते हुए टीएसटू ने पहला किल निकाला अपनी टीम के लिए, हु इज अ वंडरफुल स्नाइपर, एंड साथ साथ में एक और किल मिला ब्रोस का विद दैट ट्रिप माइन, एंड बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को मिलता हुआ 5v3 की सिचुएशन, एंड शायद अब 2:1 का जो स्कोर है वो मेंटेन हो जाएगा। चीजें आप तो शॉर्ट दे रहे होंगे, बट न्यूट्रिनो जो कि अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे थे प्रोन थे, मिश को उन्होंने फिनिश ऑफ कर दिया। पीक करना थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो सकती है, स्मोक में थोड़ा सा रैंडम स्प्रे दिया जिसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, प्लस पुशन करते जा रहे श्री भी यहाँ पे स्प्रे दिए जा रहे हैं, बट उनके स्प्रे का हल्का सा फायदा मिला, एक वॉल बैंक स्प्रे छोटा सा स्प्रे कनेक्ट हुआ था, बट यहाँ पे उनको किया जाएगा फिनिश ऑफ। न्यूट्रिनो हो चुके डाउन, एंड बर्न्स ने अभी भी चीजें को फिनिश ऑफ कर दिया, बट बर्न्स एंड लर्न तो लोग बहुत ज्यादा लेट थे, एंड लर्न को फिनिश ऑफ किया जा चुका। बर्न्स के पीछे एक प्लेयर मौजूद है, बर्न्स यहां पे थोड़ा सा डैमेज दिया, बट टीएसटी उनको तुरंत ही फिनिश ऑफ किया, जिसके चलते पहला पॉइंट हो चुका है रेकनिंग ईस्पोर्ट्स का भी, एंड 2:1 पे एक स्कोर भी मेंटेन हो चुका है, एंड टीएसटी ने टोटल 2 किल्स निकाले अपनी टीम के लिए। लगा था कि लास्ट में बर्न्स उनको फिनिश ऑफ कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, एक पिस्टल शॉट बढ़िया सा कनेक्ट हुआ उन पे, एंड उनको किया गया फिनिश ऑफ। तो मेहम इज स्टिल इन अ 1 पॉइंट लीड, एंड वेगस ज़्यादा ही आगे चले गए, उनको फॉल बैक करना होगा, एंड वो फॉल बैक करे जल्दी से जल्दी, अदरवाइज फिनिश ऑफ होने के उनके चांसेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। तो देखते हैं रेकनिंग कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो एक स्नाइपर किल उनको मिल गया था, एंड किस्मत अच्छी थी तो एक ट्रिप माइन से भी उनको किल मिल गया था, बट बार बार ऐसे लक उनका साथ नहीं देने वाले हैं। टीएसटी ने सबसे पहले ट्रॉफी सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, प्लस को स्पॉट कर रहे हैं, उनको फिनिश ऑफ करने का पूरा ट्राई किया जाएगा, एंड अगर बिल्कुल प्राइवेट बैकयार्ड में एकदम पीक करके बैठ रहे, वो स्कोप इन करके बैठ रहे, तो उनको सफलता हासिल होगी, एंड यहाँ पे सफलता से बहुत ज़्यादा वो चूक चुके हैं, अदरवाइज लाइन को फिनिश ऑफ किया जाता। सो ये अभी भी 5v5 की सिचुएशन है, ट्रॉफी सिस्टम से थोड़े बहुत ग्रेनेड्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, एंड रेकनिंग ई स्पोर्ट्स अभी देखते हैं कहाँ पे पुश करते हैं, क्या वो ए साइड जाएंगे या फिर वो बी साइड जाएंगे, एंड आई गेस वो ए साइड ही जाएंगे। स्त्री ने थोड़ा सा चॉपर के अपने शॉट्स स्पैम किए, वॉल बैंक शॉट्स दे रहे हैं वो, बट इन शॉट्स का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि प्लेयर है ही नहीं यहाँ पे मौजूद। सामने से एक नेड आता है, ओके दैट वाज अ वंडरफुल मोलोटोव बाय आई डोंट नो बाय हुम, बट श्री को बहुत ज्यादा डैमेज मिला, एंड वेगस ने देर में एक फटका देके एक प्लेयर को डाउन कर दिया, साथ साथ में यहाँ पे 2+ फिनिश ऑफ होंगे बाय बर्न्स। बर्न्स लास्ट राउंड का बदला निकालते हुए
लास्ट राउंड में इनको फिनिश ऑफ किया गया था, बट इस बार उन्होंने दो किल्स स्टार्टिंग में ही निकाल लिए हैं। एंड मेहम इज इन अ 5v2 सिचुएशन, अभी तक उनका एक भी प्लेयर फिनिश ऑफ नहीं हुआ है एंड आई गेस उनका प्लेयर फिनिश ऑफ होने भी नहीं वाला है। श्री यहाँ पे ब्रोस को डाउन कर चुके हैं, बट न्यूट्री ने तुरंत श्री को फिनिश किया एंड लास्ट में चीजें अपनी टीम से बच चुके हैं जिनके पास में एक स्नाइपर है, बट उनको कोई भी मौका नहीं दिया गया। लाइन ने उनको तुरंत ही फिनिश ऑफ किया विद दैट वंडरफुल द बीस्ट ASM10 एंड थर्ड पॉइंट होता हुआ टीम मेहम का। थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए क्योंकि दो पॉइंट का लॉस उनके ऊपर क्रिएट हो चुका है। दे नोज इट वेरी वेल कि अगर उन्होंने पहला राउंड हार गए वो तो आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बेस्ट ऑफ 7 फॉर्मेट मैच है। जितना ज़्यादा यू नो बेस्ट ऑफ नंबर्स बढ़ता जाता है ना, उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता जाता है एंड एक रिलैक्सेशन भी मिल जाती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर हार गए तो आगे जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो राउंड भी हार गए, अगर तीन राउंड भी हार गए तो चलो चार राउंड लगातार जीत के कमबैक कर सकते हैं, ऐसा एक हो जाता है मन में, एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। वो तो टीम्स के ऊपर है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को यू नो अपने माइंडसेट में बिठाते हैं। तो टीएसटी ने स्टार्टिंग में एक शॉट दिया बट उन पर हिट मार्कर कनेक्ट हो चुका है। इस बार पीक करने की शायद वो जरूरत नहीं करेंगे दोबारा से, बट स्नाइपर के अंदर इतना वो पेशेंस रहता नहीं है, बार बार पीक करता है वो चाहे जितने हिट मार्कर उस पर कनेक्ट हो जाएं। वेगस यहाँ पे पूरा ट्राई करे प्लग को फिनिश ऑफ करने का, बट सामने न्यूट्रिनो भी मौजूद है एंड या वेगस अपनी पोजीशन स्विच कर चुका है, दूसरी जगह से एंगल लेके प्लग को फिनिश ऑफ करने का ट्राई करेंगे एंड न्यूट्रिनो उनकी ढाल बन के खड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है, टीएसटो को हल्का सा डैमेज मिला। वॉल्विंग स्प्रे यहाँ पे बराबर से अटेम्प्ट किया जा रहा है बाय न्यूट्रिनो, गन को करेंगे रीलोड एंड हो जाए अगर यहाँ पे प्रोन तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा यू नो हेड उनका विजुअल हो सकता है टीएसटो को एंड टीएसटो शायद उनको एलिमिनेट भी कर सकते थे उस टाइम पे, बट टीएसटो ने पीक ही नहीं किया एंड 1:50 अभी तक निकल चुके इस राउंड के। सिर्फ यहाँ पे 45 बचे रखने की स्पोर्ट्स के पास में, या तो उनको बॉम्ब प्लांट करना होगा या फिर प्लस को फिनिश ऑफ करना होगा। एंड श्री ने जो स्प्रे दिया उससे क्लियरली हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि प्लस बी साइड में बी पे वो बॉम्ब प्लांट अटेम्प्ट करेंगे एंड साउंड भी आया होगा शायद बॉम्ब प्लांट का, बट मिश यहाँ पे आराम से बॉम्ब प्लांट करे, स्मोक का भी यूज हो चुका उनके टीममेट की तरफ से, स्मोक का कवर लेकर उन्होंने कर दिया बॉम्ब आराम से प्लांट। बट न्यूट्रिनो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्प्रे कनेक्ट करते हैं अपने वॉल्विंग स्प्रे से, उन्होंने कर दिया मिश को फिनिश ऑफ, लेकिन टीएसटो ने तुरंत ही कर दिया बंस को डाउन एंड रेकनिंग ईस्पोर्ट्स हल्के से एडवांटेज में आ चुके हैं। टीएसटो ने वेगस को भी डाउन कर दिया एंड ब्रोस भी फिनिश ऑफ हो चुके। टीएसटो एक बहुत ही शानदार हिट मार्कर कनेक्ट करते हुए, बहुत ही ज्यादा क्विक स्कोप शॉट था एंड लर्न को उनके ही थर्माइट से फिनिश ऑफ किया जाएगा। टीएसटो इज सो डैम गुड। दूसरा पॉइंट आई विल से कि टीएसटो की वजह से ही उनके टीम के हाथ में गया, क्योंकि क्लियरली यार क्या ही सही तरीके से उन्होंने दो किल निकाले अपनी, एक किल निकाले अपनी टीम के, एक्चुअली दो किल थे, वेगस को भी उन्होंने डाउन किया था एंड मिश को भी शायद उन्होंने फिनिश ऑफ किया था एंड लास्ट किल तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था, जो इतना ज़्यादा क्विक स्कोप शॉट दिया वो बहुत ही बेहतरीन था एंड अभी भी एक क्विक स्कोप शॉट उनकी तरफ से देखने को मिला, बहुत ज़्यादा डैमेज देगा लर्न को, बट लर्न ने चीज़ें को फिनिश ऑफ कर दिया अपनी टीम को, उन्होंने एक अच्छे एडवांटेज में डाल दिया। बट वो ये ट्राई करना होगा कि फिनिश ऑफ ना हो, अदरवाइज दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है उनको एंड एक पॉइंट की जो लीड है वो भी उनके खाते से जा सकती है। तो अभी साइड्स ऑब्वियसली स्विच हो चुके हैं, मेम को मिल चुका है बॉम्ब प्लांटेशन पार्ट, बट यहाँ पे किया जाएगा श्री के द्वारा लर्न को फिनिश ऑफ, बट श्री भी तुरंत ही डाउन हो चुके हैं। चॉपर स्पैम की प्लग को फिनिश ऑफ किया एंड मेश विल बी सिक्योरिंग टू किल्स फॉर हिज टीम इन अ सिंगल स्प्रे। मेश यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन खेले, बढ़िया तरीके से स्प्रे दिया एंड टाइमिंग जो थी उनकी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रही, जिसकी वजह से उन्होंने दो किल्स बढ़िया तरीके से निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे वेगस कुछ किल्स के लिए यू नो बिल्कुल घूम रहे हैं एंड वो शायद एक आध दो किल निकाल भी सकते हैं अपनी टीम के लिए, बंस पोशन करते जा रहे हैं, ये गलत मूव हो सकती है, बहुत ज़्यादा गलत मूव हो सकती है। मिशन के सामने मौजूद है, मिशन उनको फिनिश ऑफ कर दिया, वेगस ने एक किल निकाला बट डेथ तुरंत ही उनको डाउन करके अपनी टीम को तीसरा पॉइंट दिलाएंगे, जिसके चलते 3:3 पे एक टाई हो चुका है। ग्रेट ब्रो। ओके यहाँ पे रेकनिंग स्पोर्ट्स भी थोड़ा थोड़ा कमबैक करते जा रहे हैं, एक उन्होंने टाई कर दिया है, आगे की लीड जो है वो उनके हाथ में जाते हुए देखने को हम लोग को मिल सकती है। बट वही है, मेहम भी अभी पूरा एकदम बढ़िया तरह से खेलना चाहेंगे किसी भी टाइम एंड टीएसटो को अब टारगेट किया जा रहा है। क्लियरली यहाँ पे देखने को मिला टीएसटो को टारगेट किया जा रहा है, ब्रोस बिल्कुल चॉपर को स्पैम कर रहे, हल्का सा डैमेज मिला टीएसटो को एंड स्नाइपर्स का यहाँ पे रोल ज़्यादा प्ले होगा। वेगस या लर्न को ट्राई करना होगा कि टीएसटो को फिनिश ऑफ करे या फिर उनका कोई स्लेयर बिल्कुल पोजीशन कर जाए, हाउस के अंदर चला जाए एंड वहाँ पे टीएसटो को डाउन करे। अगर एक बार टीएसटो डाउन हो गए तो रेकनिंग का आधा बैकअप तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अगर डेथ को टारगेट किया जाए तो बस दैट्स इट, खत्म, पूरा राउंड ही हो सकता है मेहम का। मेन मेन प्लस को टारगेट करना एक बहुत ही अच्छी मूव होती है, वेंडलर ने आप एक बढ़िया सा फटका देते हुए चीजें को उन्होंने कर दिया डाउन एंड एक ग्रेनेड भी उनकी तरफ से थ्रो होगा, बट ग्रेनेड थोड़ा सा गलत हो चुका है, फिर सही गया, ओके सही गया था, दैट वाज जस्ट अ ग्लिच। मतलब इतना क्या गंदा ग्लिच होता है ब्रो कि बिल्कुल साफ साफ देखे हम लोग को कि वहीं पे गिर गया ग्रेनेड, बट मेश यहाँ पे एक शानदार तरीके से एफएचजे को लॉन्च करते हुए ब्रोस को किया उन्होंने फिनिश ऑफ, बट वेगस ने दीजिए डेथ को डॉक कर दिया था डाउन, बॉम्ब भी हो चुका था प्लांट, मेहम इज इन मैन एडवांटेज एंड साथ साथ में बॉम्ब प्लांट करके उन्होंने टाइम डिसएडवांटेज भी दी थी रेकनिंग ईस्पोर्ट्स को। देखते हैं रेकनिंग ईस्पोर्ट्स कैसे अप्रोच करने वाले हैं। टीएसटो के पास में चले तो टीएसटो को अभी भी डाउन किया जा चुका है बाय लर्न एंड रेकनिंग ईस्पोर्ट्स आते हुए 2v4 की सिचुएशन में।
एंड शायद ही अब ये पॉइंट उनका हो पाए। 4-3 का एक स्कोर बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है। श्री एंड मिस दोनों ने एक एक किल निकाला अपनी टीम के लिए एंड यहाँ पे थर्ड किल भी हो जाएगा उनकी तरफ से। बंस इज द ऑल अलोन लास्ट सर्वाइवर फ्रॉम हिज टीम। मॉलोटोव का एक शानदार यूज प्लस को किया गया बहुत ज्यादा डैमेज, बट क्या बंस सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर्वाइव। एक किल निकाला बट मिश तुरंत ही उनको एलिमिनेट किए एंड बॉम्ब डिफ्यूज करके अपनी टीम को जिताने वाले हो। फोर्थ पॉइंट एंड रेकनिंग ईस्पोर्ट्स इज इन अ लीड ऑफ 1 पॉइंट राइट नाउ। मिश यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट स्प्रे दिए, थोड़ा सा प्री फायर था जो कि बहुत ही बढ़िया मूव थी, उस प्री फायर की वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला एंड एक पॉइंट हो चुका है रेकनिंग ईस्पोर्ट्स का। एंड बंस को भी उस टाइम पे पुश नहीं करना चाहिए था बट उन्होंने भी सही पुश किया, उनको लग रहा था कि शायद बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा हो प्लेयर एंड उनका भी सही था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहा था प्लेयर बॉम्ब डिफ्यूज, उनके लिए वेट किया जा रहा था वहाँ पे एंड उनको फिनिश ऑफ किया गया। तो रेकनिंग ईस्पोर्ट्स को जीतने सिर्फ 2 और पॉइंट्स और वो हो जाएंगे इस राउंड के विनर। एंड जो शुरुआत जो थी मेहम की तरफ से अभी काइंडली उनके फेवर में नहीं लग रही है वो चीज़। लर्न स्टार्टिंग में टीएसओ को एलिमिनेट कर दिया बट लर्न पे भी हिट मार कर कनेक्ट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा लेट हुए। हील होने का प्रॉपर टाइम इनको मिल चुका है। ब्रोस भी हल्के से लेट हुए बट यहाँ पे बराबर से वॉल्विंग स्प्रे कनेक्ट करने का वो पूरा ट्राई कर रहे हैं। ब्रोस यहाँ पे बॉम्ब प्लांट कर दे एक बार, बहुत ही बढ़िया फायदे में आएंगे। मिश ने किया FHJ लॉन्च बट हर बार FHJ का फायदा नहीं मिलता है आपको एंड इस बार नहीं मिला उनको फायदा बट बॉम्ब प्लांट हो चुका है। रेकनिंग को पता है सारे के सारे प्लस ए साइड पे हो सकते हैं नहीं, लेकिन मैं हम अलग अलग जगह पे। लर्न की तरफ से क्या ही शानदार नेड आया, लर्न हुए फिनिश ऑफ बट एक नेड के साथ साथ उन्होंने श्री को एलिमिनेट कर दिया एंड बहुत ही प्यारा नेड गया उनकी तरफ से, प्लेयर बच ही नहीं पाया। रेकनिंग की तरफ से मिश भी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं एंड उनको भी हील होने का टाइम चाहिए बट पोजिशन करते जा रहे हैं वो सामने से 2-3 प्लस आते हुए एंड मिश को किया जाएगा डाउन। चीजें भी हो चुके हैं डाउन एंड डेथ इज द लास्ट सर्वाइवर जिनको भी किया जाएगा फिनिश ऑफ बाय न्यूट्रिनो। एंड फोर्थ पॉइंट होता हुआ टीम में हमका जिसके चलते हो चुका है 4-4 पे एक टाई दोनों ही टीम्स के बीच में। ग्रेट ब्रो, दोनों ही टीम्स यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं बट वही है कि राउंड किसका होने वाला है क्योंकि एक कड़ा कंपटीशन दोनों की तरफ से देखने को मिल चुका है। अगर एक वो होता है कि पूरा का पूरा राउंड एक तरफा जाता, अगर मान लो 4-0 या फिर 5-0 का स्कोर मेंटेन होता है, 4-1 5-1 ऐसा स्कोर मेंटेन होता किसी टीम के फेवर में, तो वी कुड हैव प्रेडिक्टेड कि चलो ये टीम जीतने वाली है एंड दे डिजर्व इट। बट अभी कह लिए दोनों टीम डिजर्व करती है विक्ट्री एंड वी कांट प्रेडिक्ट कि कौन सी टीम ले जाने वाले हैं विक्ट्री एंड दैट्स द मेन डिफिकल्ट डिसीजन फॉर अस। व्हाट डू यू गाइस, तुम लोग की क्या प्रेडिक्शन है, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है यहां पे? तो यहाँ पे टीएस तो वेट कर रहे प्लग को फिनिश ऑफ करने का बट अनफॉर्चुनेटली स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं। मैं हम थोड़ा सा पैसिव खेल रहे हैं, एक कंजर्वेटिव अप्रोच उनकी तरफ से देखने को मिल रही है बट लेट्स सी क्या वो बॉम्ब प्लांट कर पाएंगे क्योंकि बॉम्ब प्लांट करने उनके लिए एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा टास्क हो जाता है। एंड यहाँ पे लर्न ने टीएस को फिनिश ऑफ कर दिया जो कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो टीएस को एलिमिनेट करें, उनको ऑब्वियसली टारगेट किया जा रहा है, एवरीवन इज टारगेटिंग टीएस एंड वो एक बहुत ही बढ़िया मूव भी है, ये चीज़ तो करनी ही पड़ती है ना गेम, बहुत ज़्यादा करो ही तो ज्यादा बेटर है। बट यहाँ मिश ने एक प्लग को डाउन किया, मिश को तुरंत ही फिनिश ऑफ किया जाएगा, एक प्लग डाउन हुआ लेकिन तुरंत ही प्लग डाउन हुआ एंड यहाँ पे लर्न भी फिनिश ऑफ हो चुके, ब्रोस भी डाउन हो चुके। मियम इज इन मैन डिसएडवांटेज, इट्स अ 2v3 सिचुएशन फॉर देम एंड मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। न्यूट्रिनो हल्की सी मुश्किल में देखने को मिला प्लस उनका पीछा कर रहा है बट बस यहाँ पे चीजें को इतनी देर में फिनिश ऑफ कर चुके हैं एंड इट्स अ 2v2 सिचुएशन राइट नाउ। डेथ को भी किया जाएगा फिनिश ऑफ, बर्न्स इज ऑन फायर राइट नाउ, ही सिक्योर 2 किल्स फॉर हिज टीम। नाउ श्री इज द लास्ट सर्वाइवर फ्रॉम हिज टीम, ही हैज दैट नॉर्मल फेनिक विद दैट रेड डॉट बट बॉम्ब उनके अगेंस्ट में किसी भी टाइम प्लांट हो सकता है। न्यूट्रिनो जस्ट गो फॉर इट, यू कैन इजीली प्लांट द बॉम्ब, श्री आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे इवन दो ही स्पॉट यू बिकॉज ही हैज दैट फेनिक, इतनी लॉन्ग रेंज में कुछ नहीं हो सकता इस पैनिक से। एंड या इट्स अ 2v1 सिचुएशन, मे हम आई गेस एक पॉइंट की लीड अपने हाथ में ले जाने वाले हैं बहुत ही जल्द बॉम्ब प्लांट करके। श्री को हल्का सा डिसएडवांटेज दिया गया, अब श्री पे डिपेंड करता है वो कैसे अप्रोच करते हैं। लग ही रहा था कि वो शायद एक पूरा बी बॉम्ब साइड से रोटेशन लेके जाएंगे क्योंकि यहीं से वो पुशन कर सकते हैं, यहीं से वो जितना हो सके उतना क्लोज आ सकते हैं प्लेयर को एंड प्लस के एंड उनको यही चीज चाहिए कि जितना हो सके क्लोज पहुंच जाए, अदरवाइज मिड रेंज में तो उनको शायद फिनिश ऑफ किया ही जा सकता है ऑब्वियसली बाय बर्न्स एंड बाय न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो पोजीशन होल्ड किया था एंड मॉलोटॉफ का बहुत ही बेहतरीन यूज देखने को मिला, श्री को बहुत ज्यादा डैमेज मिला उस मॉलोटॉफ से एंड यहाँ पे श्री पोजीशन भी करते जा रहे हैं। गाइस न्यूट्रिनो यहाँ पे बेट बने हुए एंड बर्न्स उस चीज का ओके या इट वाज करेक्ट, आई वाज सो राइट एट दैट मोमेंट एंड बर्न्स यहाँ पे फाइनली श्री को फिनिश ऑफ किया जिसके चलते फिफ्थ पॉइंट हो चुका है टीम मेहम का एंड मेहम इज इन अ लीड ऑफ 1 पॉइंट राइट नाउ। न्यूट्रिनो यहाँ पे जो भी हो AFK रहे हो या फिर बेट बने हो मुझे नहीं पता बट वो मूव बहुत ही अच्छी थी, अभी पता चल जाएगा AFK थे क्या, AFK थे ओके नो वरीज ग्रेट न्यूट्रिनो आ जाओ गेम में अदरवाइज तुम्हारी टीम राउंड हार सकती है, दे जस्ट नीड 1 मोर पॉइंट। ओ माय गॉड इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर टीम मेहम राइट नाउ, न्यूट्रिनो इज स्टिल नॉट कनेक्टेड इन दिस गेम। तो लेट्स यहाँ पे चलते टीएसटो के पास में, इस बार देखते हैं क्या टीएसटो की तरफ से एक दो फटके हो पाएंगे क्योंकि
उनको हर बार फिनिश ऑफ किया जा रहा है स्टार्टिंग में, वो अपनी टीम को एक अच्छा एडवांटेज नहीं दे पा रहे, बट इस बार पूरा ट्राई किया जाएगा उनकी तरफ से कि एक आध प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करें, या प्लेयर को स्पॉट किया उन्होंने एक शॉर्ट राउंड की तरफ से बट एडवांटेज नहीं हुआ। एंड न्यूटिनो अभी तक कनेक्ट हुए इस गेम में, तो आई कैन से कि अब शायद वो कनेक्ट नहीं होने वाले हैं, शायद अब खत्म है उनका जो भी हो गलत कनेक्टिविटी इशू है, या न्यूटिनो लेफ्ट द गेम। एंड अगर रेकनिंग ईस्पोर्ट्स ने देखा हो, थोड़ा सा किलपीट पर नज़र डाली हो, तो उनको पता चल चुका होगा कि मेहमा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ चुके हैं, अपने एक बहुत ही प्रीशियस प्लस को वो खो चुके हैं, एंड टीएसटी ने अपनी थर्माइट से एक प्लेयर को डाउन किया था, डेथ भी एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं, मेहमा इज इन अ 2v5 सिचुएशन एंड अच्छा खासा जीता जीता है राउंड के हाथ से जाने वाला। वेगस इज द ऑल अलोन लास्ट सर्वाइवर फ्रॉम हिज टीम इन अगेंस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स, एंड सारे के सारे प्लस उनको ढूंढ के माना चाहेंगे, ऑलरेडी उनको ढूंढा जा चुका है, सारे के सारे प्लस को पता है उनकी पोजिशन, एंड पोजिशन किया जा रहा है, एंड श्री यहाँ पे नहीं करेंगे उनको फिनिश ऑफ, श्री को मिला असिस्ट ने किया फिनिश फ्रॉम श्री, पीछे एकदम ऐसे देखे यहाँ तुम फिर से आ गए, तुमने फिर कुल चुरा लिया मेरा वो एक लुक तय थे जिस तरीके से वो मुड़े पीछे डेथ को देखा, क्यों भाई क्यों, क्या पड़ा है तुमने, क्यों किल चुरा लिया ब्रो। शिट, अब मैं हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में आ चुका है, 5v5 जो एक टाइप वो हो चुका है, बट इट्स अ 4v5 सिचुएशन फॉर मेहम राइट नाउ। रेकनिंग वंस अगेन गॉट द बॉम्ब प्लांटेशन पार्ट, मेहम गॉट द बॉम्ब डिफेंडिंग पार्ट, एंड ये चीज उनके लिए आई विल से कि एक थोड़ा सा फायदा हो चुका है, क्योंकि नाउ दे जस्ट हैव टू होल्ड देयर पोजिशन, दे डोंट हैव टू पुश, दे डोंट हैव द पार्ट ऑफ प्लांटिंग द बॉम्ब, सो वो सारी चीज़ें उनके फेवर में आ चुकी हैं। बट रेकनिंग को भी अच्छे तरीके से पता है इट्स अ 5v4, एंड वो भी उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, वो बस वेट करेंगे एक प्लेयर को डाउन करने का, उसके बाद में फुल्ली अग्रेसिव खेल सकते हैं, बिकॉज उसके बाद में 5v3 की सिचुएशन रहेगी, उसको कौन ही हैंडल नहीं कर सकता, ऊपर से रेकनिंग ईस्पोर्ट्स जो कि एक वंडरफुल टीम है, वो तो आराम से हैंडल कर सकते हैं उसको। So guys, just hit the like on the stream and subscribe to the channel if you are new here. फटाफट से यार एक बार लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, 100 सब्सक्राइबर्स हम लोग को चाहिए, आई गेस हम लोग ने शायद पहले ही कर दिया, अगर नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से कर देना, एक और सब्सक्राइबर बचा हुआ है यहां पे, कुछ प्लस फिनिश ऑफ हो जाए, रेकनिंग इज इन डेंजर, 3 प्लस उनके डाउन हो चुके, 2 प्लस अकेले बचे, मेहम इज इन अ 3v2 सिचुएशन राइट नाउ, एंड इट्स अ 1v3 सिचुएशन फॉर श्री, एंड ओ माय गॉड, मेहम विद दैट 4 मैन स्क्वाड उन्होंने रेकनिंग ईस्पोर्ट्स को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया, श्री यहां पे 1v3 क्लच कर दिया, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला उनके लिए, बट प्लस को स्पॉट जरूर से किया, थोड़ा सा डैमेज है उनकी पोजीशन रिवील हो चुके, लर्न इज यूजिंग दैट स्नाइपर फॉर्म हिज टीम, वेगस इज यूजिंग QQ9 एंड बर्न्स इज यूजिंग चॉपर, तीनों के तीनों गन कॉम्बिनेशन है स्नाइपर SMG एंड LMG, एंड बर्न्स ने प्लस को स्पॉट करके बहुत ज्यादा डैमेज दिया, बट बर्न वेगस विल बी सिक्योरिंग द लास्ट किल फॉर हिज टीम, जिसके चलते पूरा का पूरा राउंड हो चुका है टीम में हमका विद दैट 1 point difference, they are so good because उन्होंने 4-man squad खेलने के बावजूद भी round अपने हाथ में निकाल लिया, जो फटके पड़े वहाँ पे private backyard में दोनों तरफ से जो फटके आए, it was great, but वही था रेकनिंग के लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि वो मेहम के सिर्फ एक ही प्लेयर को एलिमिनेट कर पाए, मेहम ने उनके 3 प्लस को एक एक करके एलिमिनेट कर दिया, एंड फोर्थ प्लेयर को भी एलिमिनेट किया, एंड फाइनली शी को भी एलिमिनेट करके पूरा का पूरा राउंड अपने फेवर में लिया गया। न्यूटिनो नहीं भी हुए, उनके टीममेट ने कहा डोंट वरी ब्रो, वी विल डू इट फॉर यू, तुमने इतना अच्छा खेला था पूरे राउंड में, इसका फल तुम्हें जरूर से मिलेगा। सो बर्न्स इज द MVP फॉर हिज टीम विद टोटल ऑफ 11 किल्स एट द सेम टाइम, लर्न इज एट 10 किल्स फॉर हिज टीम, दोनों प्लस के पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है, 1365 एंड 1360, सो बढ़िया खेला गया यहाँ पे, एंड डेथ ऑब्वियसली बर्न्स की थोड़ी सी कम रही है, बिकॉज उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत बार क्लच किए हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने यू नो अच्छे तरीके से प्लस को फिनिश ऑफ किया, आई गेस अगर न्यूट्रिनो होते तो उनकी भी बहुत ही कम डेथ होती, बिकॉज उन्होंने भी बहुत देर तक सर्वाइव किया था एज कम्पेयर टू द अदर टीममेट्स, तो वो भी एक अच्छी चीज रही उनकी तरफ से, ग्रेट यार। सो या लर्न के भी 10 किल्स हैं ही, वेगस इज एट 8 किल्स फॉर हिज टीम, जो लास्ट किल बर्न्स का होना चाहिए था, 12 किल्स उनके होते, बट वेगस ने वो किल थोड़ा सा सरका लिया अपने फेवर में, एंड एक और किल उनका रहा टोटल 8 किल्स के साथ में, एंड ब्रोस अपनी टीम के लिए 5 किल्स लेके रखे हुए हैं, सो टोटल यहाँ पे बढ़िया तरह से मेहम ने अपने हाथ में अच्छे किल्स कलेक्ट किए। बट अगर हम लोग बात करें रेकनिंग ई स्पोर्ट्स की, तो उनकी तरफ से मिश इज द MVP विद 8 किल्स, डेथ के हैं 10 किल्स अपनी टीम के लिए, TS2 इज एट 6 किल्स फॉर हिज टीम, श्री के हैं 7 किल्स, और चीजे के रहे हैं 3 किल्स अपनी टीम के लिए। तो यहाँ पर रेकनिंग ने भी बेहतरीन खेला, अगर देखा जाए मेहम की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई थी, बट रेकनिंग जिस तरीके से कमबैक किया था, वी वर लाइक कि अब शायद एक कंप्लीट कमबैक हो सकता है, एंड जैसे न्यूटिनो गेम से बाहर हुए एक कंफर्मेशन सी मिल गई थी कि अब शायद रेकनिंग स्पोर्ट्स इस पूरे मैच को जीत इस पूरे राउंड को जीत सकते हैं, बट इतना आसान नहीं हो पाता है इन अगेंस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, तो या वही हुआ है, आपने मेहम ने 4-man स्क्वाड भी ये राउंड निकाल लिया, एंड अगले राउंड में देखते हैं कैसे परफॉर्म करने वाले दोनों के दोनों टीम्स। आई गेस लेजरा खेलने वाले इस राउंड में अपने टीममेट की जगह, टीएस तो शायद यहाँ से चले जाएंगे, वो अपना सिर्फ सर्च एंड डिस्ट्रॉय राउंड में आते हैं, उसके बाद में उनके बाकी टीममेट्स खेलते हैं। सो गाइस आर जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल यार, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, जस्ट 1 more सब्सक्राइबर फ्रॉम रीचिंग 100 सब्सक्राइबर्स, सो जस्ट सब्सक्राइब,
एंड द नेक्स्ट राउंड इज गोना बी हार्ड पिन इन क्रैश मैप एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. ऑब्वियसली लास्ट मैच जो हम लोग का हुआ था सेकंड रनर ऑफ मैच, इफ यू हैव सीन इट, 2 बजे से हम लोग का स्टार्ट हुआ था वो मैच इन अ बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट, जिसमें बढ़िया तरीके से हीरोज ऑफिशियल ने विक्ट्री निकाल ली थी बाई डिफीटिंग फोर्स वन विद अ स्कोर ऑफ 3:1. एंड उसमें लास्ट राउंड हार्ड पिन क्रैश ही हुआ था जिसमें हीरोज ऑफिशियल बढ़िया तरीके से खेले थे, उनके केस में 2 गोलायत यूज हो गए थे, बट स्टिल दे वॉन दैट राउंड एंड दे वॉन दैट कंप्लीट मैच. दे डोमिनेटेड, दे कंप्लीटली डोमिनेटेड. ओके सो या थोड़ा देर वेट करते हैं हम लोग, तुरंत ही हम लोग का राउंड स्टार्ट होता है, क्या पता मैं ऐसे बोल रहा हूँ इतने बीच में ही स्टार्ट हो जाए, हु नोस. एंड या जस्ट लाइक द स्ट्रीम, लेट्स जस्ट रिस्पॉन. खेलेगा ना आई गेस, या कनेक्ट तो हुआ है गेम में तो खेली गई. बोलते हैं हम गॉड्स. सो लास्ट वाला राउंड खतरनाक था टू बी ऑनेस्ट, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है हम लोग को, जैसे किस तरीके से उसमें अप्रोच की जाती तो रेकनिंग स्पोर्ट्स जीत सकते थे. अगर आई गेस एक प्लेयर होटल यार्ड से होते हुए जाता, थोड़ा बहुत कैफे तरफ अप्रोच करता धीरे धीरे, यू नो बाकी उनके टीममेट्स पाइवे बैकयार्ड की तरफ, और एक प्लेयर अकेला चला जाता रेकनिंग का होटल यार्ड से होते हुए, तो एक छोटा सा फ्लैंक शायद वहाँ पे 2 से 3 प्लस को फिनिश ऑफ कर सकता था मे बी, बट वो भी एक रिस्की मूव थी क्योंकि क्या पता कैफे में कोई पोजिशन होल्ड करता एंड क्या पता हाउस टॉप दिक्कत हो सकती थी प्लेयर के लिए. रिस्की मूव थी बट रिस्क है तो इसके, वी ऑल नो दैट. तो इसी के साथ साथ हम लोग आ चुके हैं हमारे सेकंड राउंड में, जिसमें रेकनिंग के एक ऑपला जैसे ही कनेक्ट होते हैं तुरंत ही हम लोग का राउंड स्टार्ट होगा एंड वी विल सी कि क्या होने वाला है इस राउंड में. दैट इज हार्ड पॉइंट इन क्रैश मैप एंड ऑल द प्लस आर कनेक्टेड. टीएस2 इज हियर, लेजरा इज हियर, डेथ मिश एंड चीज इज हियर. एंड कौन नहीं खेल रहा है? ओके आई जस्ट फॉरगॉट. ओके न्यूट्रिनो लेफ्ट द गेम. न्यूट्रिनो वाईफाई सही कर लो भाई, कुछ ज्यादा ही दिक्कत चल रही है. सो लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक इन द राउंड. ब्रो मैं जब से लैंड वायर नहीं लगाया हूँ, अरे सीरियस, बिना लैंड वायर के इतना अच्छा चल रहा था मेरी स्ट्रीम. ओके यू गॉट फाइनली कनेक्टेड, या यू आर फीडिंग नाउ. सो लेट्स जस्ट एंजॉय द म्यूजिक एंड वी विल स्टार्ट आवर राउंड एज सून एज पॉसिबल. सो वी आर हेयर इन द सेकेंड राउंड ऑफ दिस मैच वंस अगेन. एंड पिछली बार न्यूट्रिनो का कुछ कनेक्टिविटी इशू हुआ था, बट आई जस्ट होप कि इस बार ना हो उनका कनेक्टिविटी इशू, सो दैट उनकी पूरी टीम अच्छे तरीके से खेल पाए एंड इस राउंड को भी जीत पाए, क्योंकि ऑलरेडी पिछला राउंड अगर वो 4-man स्क्वाड के साथ में भी जीत गए तो उसका लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली नॉट द कंप्लीट राउंड बट उसका लास्ट पॉइंट तो एक काबिले तारीफ चीज रही है मेम की तरफ से. एंड अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो हार्ड पॉइंट जो हम लोग का बना प्लेयर्स में दोनों की दोनों टीम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट रेकनिंग हैज दैट हार्ड पॉइंट इन देयर हैंड्स एंड इस हार्ड पॉइंट को वो अच्छे तरीके से होल्ड करके रखने वाले. उनकी तरफ से लेजरा इज यूजिंग दैट चॉपर जो कि जा रहा है शॉप के अंदर एंड शॉप पे हेड ग्लिच चाहिए शायद वो बैठने वाले, जो कि अच्छी मूव हो सकती है, बट बाहर आए एंड बर्न्स ने उनको तुरंत ही फिनिश ऑफ किया. बर्न्स सिक्योर्ड 2 किल्स फॉर हिज टीम इन अ रो, जिसके चलते मेहम के पास में हार्ड पॉइंट भी आ चुका है एंड अब उनकी किल स्ट्रीक जो है वो कंटिन्यू हो चुकी है. एक करके रेकनिंग के चॉपर्स को फिनिश ऑफ किया गया एंड टीएस तो भी अभी भी डाउन हो चुका है. लेजरा इज फिनिशिंग ऑफ द प्लेयर बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए प्लेयर को फिनिश ऑफ एंड वहां पे दोबारा से स्प्रे वो दे सकते. थोड़ा सा प्री फायर उनकी तरफ से देखने को मिला जो कि अच्छा.
मेहम यहाँ पे 40 पॉइंट सिक्योर कर चुका है, 32 पॉइंट्स की लीड जा चुकी है मेहम के पास में, ये लीड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। व्हाट द हेक, आर यू सीरियस? या स्ट्रीम बीच में एक सेकंड के लिए बफर हुई थी ना, राइट? उससे पहले, मतलब अभी इससे पहले, वो आई एम रियली सॉरी, वो शायद कुछ हुआ होगा वहाँ पे इशू। लेट्स जस्ट वेट फॉर द राउंड टू स्टार्ट, फॉर द एमुलेटर टू स्टार्ट। ब्रो यार अच्छा भाई, पहले स्ट्रीम बफर उसके बाद फैंटास्टिक, आई रिकॉर्ड हिम, जस्ट फिक्स इट। हेक्स एक्सपोज्ड, लबाओ। नो ब्रो, आई डोंट यूज हेक्स, हेक्स के बाद ही मैं रूकी पे हूँ, समझ लो। अब तुम कनेक्ट टू द गेम, या आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू द गेम ऑब्वियसली, डोंट आ यार, ओके हो जाओ। वॉट इज दिस, आर यू रियली रियली सीरियस? माय गॉड, नो आई डोंट वॉन्ट टू क्लोज इट। सो गाइस जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, ओके, आई एम गोना फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल। तो थोड़ा सा म्यूजिक एंजॉय करो, मैं जितनी जल्दी हो सके फिक्स करूंगा। आई एम ऑल्सो ईगरली एक्साइटेड टू सी द राउंड। रियली रियली सॉरी टू से, मेरा एमुलेटर फिक्स हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड राउंड ओवर हो चुका है। एंड कुछ देर में तुम लोग को बता दूंगा कौन जीता उस राउंड में, एंड आई गेस मेहम जीता, बिकॉज अगर इतनी देर इतनी जल्दी खत्म हो गया तो मेहम के पास में स्टार्टिंग में एक लीड थी, एंड
अगर उसको खत्म करना तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, शायद वही जीते होंगे, बट वी कांट से, क्या पता कौन जीता हो। आई एम रियली 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 सॉरी, यू गाइस ऑलरेडी नो दिस इशू, जो होता ही रहता है एमुलेटर में मोस्टली। बट अगला राउंड हम लोग का बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, जो कि होने वाला है डोमिनेशन एंड मेल्टडाउन मैप। जैसे आर प्लस रेडी करते हैं तुरंत ही हम लोग स्टार्ट करते हैं इस राउंड को। आई जस्ट विश कि दोबारा से ना हो, वैसे होता नहीं है बार बार एमुलेटर यू नो क्रैश नहीं होता है, एक आध बार हो जाता है बस, दिन दिन में भी नहीं, 3-4 दिन में एक बार कभी कभी। डोंट नो द इशू बट कांट फिक्स इट, जस्ट कांट फिक्स इट। तो थोड़ी देर और म्यूजिक इन्जॉय करो, तुरंत ही हम लोग राउंड को स्टार्ट करें। वेट करना, कहीं जाना मत, क्योंकि कभी भी राउंड स्टार्ट हो सकता है, कभी भी एक्शन स्टार्ट हो सकता है दोनों ही टीम्स के बीच का। सो वी आर हेयर इन द थर्ड राउंड ऑफ दिस मैच, डोमिनेशन एंड मैनडाउन मैप। एंड ऑलरेडी पिछले राउंड हम लोग का हो चुका है विद अ स्कोर ऑफ 150:64। टीम में हम बन चुके हैं उस राउंड के भी विनर, उन्होंने कर लिया अभी तक स्कोर 2:0 का। दे जस्ट नीड टू विन टू मोर राउंड्स टू विन दिस कंप्लीट मैच एंड बिकम द विनर ऑफ क्लेक्सन प्रो लीग। एंड क्या यहाँ पे वो इस लीग के विनर बन पाएंगे, फिर रेकनिंग स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ खतरनाक एक्शन देखने को मिलने वाला है। एंड वो जीतने वाले इस राउंड का करने वाले 2:1 का एक स्कोर मेंटेन। लेट्स सी, कुछ ही चढ़ो में हम लोग को पता चल जाएगा दोनों टीम्स अपने बेस प्लस ऑलरेडी कैप्चर कर चुके। ए कैप्चर कर लिया टीम में हमने, सी कैप्चर कर लिया रेकनिंग स्पोर्ट्स ने, बट मे हम इज गोइंग फॉर द अर्ली बी फ्लैग राइट नाउ। बट नहीं, उनके प्लस हो जाएंगे फिनिश ऑफ, 3+ एट द सेम टाइम फिनिश ऑफ। वॉच के न्यूट्रिनो एंड वेगास को पहुंचना ही होगा फ्लैग बी पे, अदरवाइज हो सकता है कि फ्लैग बी उतनी जमे रेकनिंग स्पोर्ट्स कैप्चर करें। एंड दे आर डूइंग इट, एंड आई गेस हो सकता है बहुत ही इजिली वो फ्लैग बी को कैप्चर करने वाले, कुछ प्लस ब्लैक बी पे नहीं पहुंचे एंड दैट्स द रीजन ब्लैक बी हो चुका है रेकनिंग ईस्पोर्ट्स का। बट बहुत ज्यादा मात्रा में उनके प्लस फिनिश हो चुके हैं, मिश को भी डाउन किया जा चुका है, मेहम को एक ओपोनेंट मिल चुका है। एंड दे आर गोना टेक द फ्लैग बी इन द फेवर एंड लीड उनके पास में जाने वाली कुछ ही छड़ों में। फाइनली फ्लैग भी उनके पास में आता हुआ और लीड भी उनके खाते में चली जाएगी थोड़ी ही देर बाद। 11:11 पे एक टाई हुआ एंड अभी रेकनिंग स्पोर्ट्स हल्के से प्रेशर में आ चुके होंगे। एंड देखते हैं वो अभी कैसे अप्रोच करते हैं, क्या वो फ्लैग बी को रीटेक कर पाएंगे या फिर यहाँ पे मेहम की लीड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। टॉप पी सिस्टम लगाए जा रहे हैं एंड यहाँ पे मिश भी थोड़ा सा स्प्रे देना चाहेंगे, सामने प्लेयर मौजूद है, दोनों साइड एक्चुअली प्लेयर मौजूद है। ओके, मेहम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ में खेल चुके हैं, वेगस हाउस ए के अंदर मौजूद है, रोज हाउस बी के अंदर मौजूद है, दोनों तरफ से किल निकाले जा रहे हैं, अपने फ्लैग को होल्ड किया जा रहा है। एंड दिस इज अ वंडरफुल पोजिशनिंग बाई टीम में, हम सामने को प्लेयर मौजूद, बट लेजरा ने एक प्लेयर को डाउन किया, 2+ को फिनिश ऑफ किया, बट लेजरा भी डाउन हो चुके बाय द मोलेट ऑफ बर्न्स। एंड बी पे पूरा पूरा क्लीन अप किया जा चुका भाई टीम में, हम टीम में हम इज इन अ लीड ऑफ 10 पॉइंट्स राइट नाउ। एंड ये लीड और भी ज्यादा उनके खाते में बढ़ती जाएगी, बट दूसरा रेकनिंग स्पोर्ट्स भी किसी भी टाइम कमबैक कर सकते हैं शायद, एंड किसी भी टाइम वो फ्लैग भी कैप्चर करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लस को और पहुंचना होगा, अकेले तो यहां पे कैप्चर नहीं किया जा सकता। वेगस ने 2+ को फिनिश ऑफ किया, वेगस विल बी सिक्योरिंग द थर्ड किल फॉर हिज टीम। वेगस इज ऑन फायर राइट नाउ, ही इज ऑन 4 किल स्ट्रीक राइट नाउ एंड कैन ही डू दैट इज, बट नहीं, टीएसओ ने यहां पे किल निकाला, अदरवाइज वेगस ऑल अलोन एस कर लेते इस राउंड में। एंड या आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो शॉकर्सी का यूज हो चुका है, एक आध किल और मिलेगा उनकी टीम को ऑब्वियसली, बट वेगस ने एक अपना स्पॉट किया, 20 असिस्ट दिया, बर्न्स ने किल सिक्योर किया एंड 44 पॉइंट्स हो चुके हैं टीम मेहम के। एंड मेहम इज इन अ लीड ऑफ 15 पॉइंट्स राइट नाउ, जो कि कुछ ही छोड़ों में बढ़ के 20 पॉइंट की या फिर 25 पॉइंट की भी हो सकती है, क्योंकि राउंड बढ़िया तरीके से अपने हाथ में निकालते जा रहे हैं। बट वेगस यहाँ पे रुक नहीं रहे, 8 किल्स अभी तक वो सिक्योर कर चुके हैं। ओ ओ ओ नॉर्मल किल होने वाला था, बट मेरी पनौती लगती हुई वेगस हो चुके फिनिश ऑफ, उनकी किल स्ट्रीक यहीं पे रुकती हुई।
सो या मेहम ऑलरेडी वॉन द सेकेंड राउंड. इफ जिन जिन लोगों ने नहीं सुना हो उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मेहम ने सेकेंड राउंड जीत लिया. दैट वॉज हार्ट विनिंग क्रैश मैप जिसमें हम लोग का एमुलेटर क्रैश हो गया था एंड विद अ स्कोर ऑफ 150:60. तो रेकनिंग के 64 रहे थे मेहम के 150 एंड उन्होंने राउंड जीत लिया था. सो हमें मेहम इज एट 64 पॉइंट्स राइट नाउ एंड एक बहुत ही बेहतरीन लीड उनके खाते में जा चुके हैं. 75 पॉइंट्स उनके खाते में जाने से बहुत ज़्यादा नज़दीक एंड रेकनिंग स्पोर्ट्स को ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि उनको कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी करना होगा ताकि वो अपना लॉस थोड़ा सा रिकवर कर लें, क्योंकि ये हाफ तो उनके खाते में जाने से रहा. बस वो थोड़ा बहुत लॉस ही रिकवर कर सकते हैं, आई गेस वो चीज़ भी नहीं होने वाले. न्यूट्रिनो बस प्रोन थे बट सामने वाले को स्पॉट नहीं कर पाए, फिर क्या रहा जिस वजह से वो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो गए सीधा सीधा. बट मेहम वॉन द फर्स्ट हाफ ऑफ डोमिनेशन विद अ पॉइंट डिफरेंस ऑफ 31. एक 31 पॉइंट्स की जो लीड उनको मिली हुई है ये अगले हाफ में उनको बहुत ही बड़ा एडवांटेज देने वाले हैं. जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर रेकनिंग स्पोर्ट्स ने स्टार्टिंग में दो फ्लेक्स ले भी लिए तो भी उनको बहुत टाइम लगने वाला अपना लॉस रिकवर करने के लिए, एंड ये चीज मेहम के लिए फेयर एडवांटेज रहने वाला है एंड आई गेस मेहम वो चीज करने भी वाले हैं. सो यहाँ पे ए कैप्चर कर लिया रेकनिंग ई स्पोर्ट्स एंड सी कैप्चर कर लिया टीम मेहम ने एंड मेहम इज गोइंग फॉर द अर्ली बी फ्लैग वंस अगेन. बट उनके प्लस वहाँ पे दोबारा से फिनिश ऑफ हो चुका है, प्लस थोड़ी सी पोजीशन भी होल्ड कर रहा है. डेथ ने दो प्लस को बढ़िया तरीके से फिनिश ऑफ किया एंड डेथ इज डूइंग वंडर्स फॉर हिज टीम. बट बर्न्स यहाँ पे एक सिक्योर करके खुद भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे एंड बी अभी तक कैप्चरिंग अटेम्प्ट रेकनिंग ई स्पोर्ट्स की तरफ से नहीं हुआ है. हालांकि वहाँ पे एक ओपन एंड था उनके पास में, वो चाहे तो कैप्चर कर सकते थे सारे प्लस अगर योगदान देते तो अभी तक फ्लैग भी उनके नाम पे होता. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ 30% फ्लैग भी पे अपना कब्जा जमा चुके हैं रेकनिंग ई स्पोर्ट्स एंड चीजें होंगे फिनिश ऑफ. लेजर आ रहे हैं अपनी टीममेट के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड वहां पे इनके टीममेट डेथ भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं. बी कैप्चर किया जा रहा है बाय टीम मेहम बट यहां पे एक ही प्लस मौजूद है, बाकी दो प्लस भी आ रहे हैं. एक बैकअप देंगे, कवर फायर देंगे अपने टीममेट को, इनके टीममेट वहां पे अकेले फ्लैग बी को कैप्चर करेंगे जो कि किया जा चुका है एंड लेजर ने दो प्लस को बढ़िया तरीके से फिनिश ऑफ किया विद दैट वॉर मशीन एंड रेकनिंग स्पोर्ट्स कैप्चरिंग द फ्लैग भी राइट नाउ. बट लेजर को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा बाय वॉर मशीन ऑफ बर्न्स, लेकिन बर्न्स भी यहां पे डाउन हो चुके हैं. लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 से 3 किल्स निकाल लिए थे अपनी टीम के लिए एंड या अभी देखते हैं आप क्या रेकनिंग स्पोर्ट्स फ्लैग भी ले पाएंगे, जिसमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. अब लग नहीं रहा है कि रेकनिंग स्पोर्ट्स ये राउंड जीत पाएंगे. बट गोलायत मंगाया जा चुका है एंड दिस गोलायत में भी द गेम चेंजर. बट मे हम इसको चुराने के लिए आज कल लोगों ने बहुत ही बड़ी तरीके से अपनी स्पाइक्स का यूज किया. बी वहां पे कैप्चर किया जा चुका है बाय रेकनिंग स्पोर्ट्स एंड प्रेडेटर मिसाइल यूज हो रही है बाय लेजर एंड ये गोलायत होने वाला डिस्ट्रॉय. ओ ओ ओ माय गॉड, आर यू रियली सीरियस? लोगों ने अपने गोलायत बचा लिया. आर यू किडिंग मी ब्रो? कैसे बचा ये गोलाइट? ट्रॉफी सिस्टम तो नहीं लगा था बट वो उन्होंने एकदम कॉर्नर में कर लिया सो दैट प्रेडेटर मिसाइल मिस हो जाए, जिसके चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थे एंड वही चीज हुई भी. बट एयर स्ट्राइक यूज हो चुके लेजर की तरफ से एंड गोलाइट हो चुका है डिस्ट्रॉय. मेहम ने 75% फ्लैग बी को कैप्चर कर लिया, नॉट 75 बट 60% जरूर से कैप्चर किया, जहां पे क्लीन अप कर रहा है रेकनिंग स्पोर्ट्स. बट लॉस उनके पास बहुत ज्यादा क्रिएटेड है. अभी अभी उन्होंने 75 पॉइंट्स सिक्योर कर लिया बट स्टिल 30 पॉइंट का लॉस अभी भी उनके खाते में बचा हुआ है एंड ये 30 पॉइंट का लॉस उनको दिक्कत देने वाला थोड़ा सा. चीज़ ने एक किल से क्या और किया, दूसरे प्लस को भी बहुत ज्यादा डैमेज दिया, बराबर से स्प्रे दिए जा रहे हैं. सारे प्लस को बहुत ज्यादा उन्होंने डैमेज दिया बट चीजें भी हो चुके डाउन बाय ब्रोस एंड यहाँ पे लेजरा ने दो प्लस को फिनिश ऑफ कर दिया. लेजरा बढ़िया तरीके से फ्लैक्स को होल्ड करके रखे अपनी टीम के लिए. एक स्मोक का भी यूज किया गया बट लेजरा हुए बहुत ज्यादा डैमेज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोलोटोव एंड शायद उनको फिनिश ऑफ किया जा सकता है. लर्न को स्पॉट करके लर्न को डाउन किया गया. एक और किल लेजरा की तरफ एंड लेजरा इज ऑन फायर. लेजरा ओ माय गॉड, ही इज ऑन अ 3 किल स्ट्रीक राइट नाउ एंड और भी किसी की तरफ से हो सकता है. वेगस सामने मौजूद एंड वेगस का किल यहाँ पे चीज सिक्योर किए. बी कैप्चर किया जा चुका है बाय रेकनिंग ईस्पोर्ट्स एंड रेकनिंग ईस्पोर्ट्स एक बड़े से लॉस में देखने को मिल रहे हैं एंड या 30 पॉइंट का 32 पॉइंट का एक्चुअली लॉस क्रिएट हो चुका है. दे हैव टू ट्रिपल कैप इन ऑर्डर टू विन दिस कंप्लीट राउंड एंड ये ट्रिपल कैप उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है. क्या मेहम उनको ट्रिपल कैप करने देंगे? द आंसर इज क्लियरली नो. या सो बी कैप्चर किया जा रहा है भाई मेहम. एट द सेम टाइम ए भी कैप्चर कर रहे हैं. सो मेहम को थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी बी कैप्चर करने में, तो उन्होंने हल्का सा ए कैप्चर का अटेम्प्ट किया. एक अच्छी डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुई एंड यहाँ पे बी कैप्चर होने ही वाला था बट बंस अगर अपने कवर में चले जाते तो हो जाता, लेकिन न्यूट्रिनो यहाँ पे तुरंत से आते हुए बी उन्होंने तुरंत ही कैप्चर स्ट्राइक का यूज किया चीज ने. बट उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है. 26 पॉइंट्स की अभी भी लीड टीम मेहम के पास में. एनालिटिक्स वगैरह निकल चुके थे बट चीज ने 3 प्लस को फिनिश ऑफ कर दिया विद एयर स्ट्राइक. तीनों के तीनों प्लस आ गए मेहम के एंड वो तीनों के तीनों फिनिश ऑफ हो चुके हैं. रेकनिंग स्पोर्ट्स ने फ्लैग बी को कैप्चर कर लिया बट आई विल अगेन से दैट उनको कहना होगा ट्रिपल कैप, जो कि होने वाले उनके लिए इम्पॉसिबल टू डू अदरवाइज. यू नो एक ट्रिपल कैप कर लिया तभी वो जीत पाएंगे, अदरवाइज ऑब्वियसली ये राउंड हार के वो एक 0:3 के स्कोर में आ जाएंगे जो कि वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए आपको सिर्फ 4 राउंड जीतने हैं. अगर मेहम ने एक और राउंड जीत लिया तो वो 3 राउंड टोटली जीत चुके होंगे. उसके बाद उनको बस एक और राउंड जीतना होगा टू विन दिस
complete match and become the winner of Clicks and Pro League. Sentryken वगैरह यूज की जा चुके बट सेंट्रिकन हो चुके डिस्ट्रॉय 142 पॉइंट हो चुके टीम मेयम के मेयम सिर्फ अपने बेस फ्लैग पे फोकस्ड हैं सी को ही होल्ड कर रहे हैं बट ड्रैगनिंग एक बहुत ही बड़ा प्रेशर उनके ऊपर जनरेट करते जा रहे हैं फ्लैग बी पे हल्का सा 25% कैप्चर का अटेम्प्ट हुआ था बट वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्लीन अप वहां पे तुरंत से किया गया चीज इज यूजिंग दैट वॉर मशीन एंड सी कैप्चर किया जा रहा है भाई ड्रैगनिंग ईस्पोर्ट्स बट नहीं कर पाएंगे एंड सामने से प्लस आते हुए चीज है सबको फिनिश ऑफ कर रहे हैं थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा है एंड एक और किल उनकी तरफ से लेकिन यहां पे चीज को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा वेगस जस्ट होल्डिंग फ्लैग ऑल अलोन दो प्लस को फिनिश ऑफ कर दिया एंड बढ़िया तरीके से फ्लैग सी को होल्ड किया गया ये राउंड होने वाला मेयम का विदाउट एनी डाउट एंड दे आर गोना मेंटेन अ स्कोर ऑफ 3-0 in against the Reckoning Esports. Mayhem is so damn fantastic by Reckoning Esports. What a wonderful try by them. A comeback करने की जो शुरुआत थी unfortunately वो end नहीं हो पाई just because of that triple cap thing. Otherwise शायद यहाँ पे ये राउंड हो सकता था रेकनिंग स्पोर्ट्स का अगर ये ट्रिपल कैप करने की जरूरत ना पड़ती बिकॉज जब उन्होंने फ्लैग भी कैप्चर किया उसके बाद में जो प्रेशर बनाया मेयम के ऊपर जिस तरीके से उनके प्लस को फिनिश ऑफ किया दैट वाज वंडरफुल अगर शायद वहां पे वेगस ना होते तो एक ट्रिपल कैप भी हो जाता लिटरली एक ट्रिपल कैप हो जाता उस मोमेंट पे सो वेगस विल बी द एमवीपी एंड ही डिजर्व्स दिस टाइटल टू बी ऑनेस्ट ही डिजर्व्स दिस टाइटल विद 20 किल्स एंड जस्ट 10 डेथ बहुत कम वो फिनिश ऑफ हुए दिस क्लियरली मींस मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि वो बहुत कम मरे उन्होंने कितना ज्यादा योगदान दिया अपनी टीम्स को फ्लैग होल्ड करने पे लास्ट में जब सब मर गए थे तब वेगस अकेले वहां पे बचे रहे फ्लैग सी पे उन्होंने 2+ को फिनिश ऑफ करके उसको होल्ड किया एंड उसके बाद ही राउंड खत्म हुआ सो वेगस 2 का केडी यहाँ पे मेंटेन किए हुए बहुत बड़ी बात हो जाती है यू नो डोमिनेशन राउंड से इतनी कम आपकी डेथ हो वो भी इतने ज्यादा किल्स के साथ में उसके साथ साथ अगर लर्न को देखें तो लर्न के अपनी टीम के लिए 15 किल्स हैं ब्रोस इज एट 14 किल्स फॉर हिज टीम बर्न्स के 18 किल्स विद जस्ट 13 डेथ एंड न्यूट्रिनो इज एट 8 किल्स फॉर हिज टीम आई विल से रेकनिंग को लास्ट में बहुत ज्यादा किल्स मिल चुके यू नो लास्ट में उन्होंने बहुत ही ज्यादा किल्स निकाले जिसकी वजह से मेयम के मेयम के प्लस का केडी नेगेटिव हो गया एंड उससे पहले मेयम भी थोड़ा बहुत किल्स अच्छे से निकाल रहे थे बट लेज़्रा हु वाज अ ग्रेट प्लेयर किस तरीके से उन्होंने जो प्लस को फिनिश ऑफ किया था डू यू गाइस रिमेंबर दैट जब फ्लाईओवर टॉप पे वो थे एक प्लेयर को दो प्लेयर को तीन प्लेयर को एंड वेगस को भी फिनिश ऑफ करने वाले थे बट उसमें सिर्फ उनको असिस्ट मिला वहां पे चीज़ ने किल सिक्योर किया था एंड चीज़ ने भी अपनी पोजीशन बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड की थी बी फ्लाई के पास में जो स्टेयर्स हैं बी बॉम साइड के पास में वो स्टेयर्स से उन्होंने जो किल्स निकाले दैट वाज वंडरफुल लेज़रा इज द एमवीपी विद 18 किल्स चीज़ है 15 किल्स अपनी टीम के लिए टीएस्टो इज एट 11 किल्स डेथ इज एट 10 किल्स एंड मिश इज एट 10 किल्स फॉर हिज टीम एंड इसी के साथ साथ अब सिर्फ मेयम को जीतना एक और राउंड और वो हो जाएंगे क्लैक्सन प्रो लीग के विनर सो व्हाट डू यू गाइस थिंक 4-0 के साथ में ये मैच खत्म होने वाला है या फिर एक कमबैक देखने को मिला रेकनिंग ईस्पोर्ट्स को और रेकनिंग ईस्पोर्ट्स की तरफ से सो या जस्ट लेट मी नो इन द चैट मेयम और come back just write this mayhem or come back it will be perfect for me to understand it and yeah second round ke winner bane the mayhem 150-64 ka ek score gaya tha unfortunately hum log wo dekh nahi paye the just because of that emulator crash thing but yeah score maine bata diya tha main best of 7 let's see who gonna win this next round is gonna be it's gonna be search and destroy once again okay It will be interesting. Search and destroy में if you guys have seen that search and destroy round जो कि stand off map पे हम लोग का proceed हुआ था तो बहुत ही कड़ा competition दिया था उसमें दोनों ही teams ने एक दूसरे को but unfortunately last में neutrino अपनी team से you know AFK हो गए थे उसके बाद वो game से बाहर हो गए थे लेकिन still उनकी team 4-man squad के साथ में भी round को जीत गई थी while winning the very end or very last round of that particular match search and destroy match and with a score of 6-5 वो round खत्म हुआ था in the favor of mayhem So yeah, let's go. 3-0 Mayhem. Yeah, the score is 3-0 in the favor of Mayhem. And by the way, subscribe to the channel. अगर अभी तक subscribe नहीं किया तो बराबर से subscribe करते रहो और like भी करो stream को. अभी तक 36 likes हुए हैं. थोड़े से और likes हो सकते हैं stream पे easily. 50 likes तो यार easy हो सकते हैं. तुम लोग कर सकते हो इतना. तो let's wait for the round to start and उसके बाद हम लोग enjoy करते हैं. देखेंगे कैसा जाने वाला हम लोग का राउंड
सो वी आर हेयर इन द फोर्थ राउंड ऑफ दिस मैच सर्च एंड डिस्ट्रॉय समिट मैप एंड देखते हैं इस राउंड में दोनों टीम्स कैसे खेलने वाले हैं एंड क्या मेहम विद अ स्कोर ऑफ 4-0 पूरे के पूरे मैच के विनर बनेंगे एंड इस लीग के विनर बनेंगे या फिर रेकनिंग ई स्पोर्ट्स एक दो पॉइंट्स अपने फेवर में भी ले जाएंगे तो देखने वाली चीज़ आएगी एक मजेदार राउंड ऑब्वियसली जाने वाला है हम लोग का क्योंकि पहला राउंड जो हुआ था सर्च एंड डिस्ट्रॉय स्टैंड ऑफ मैप में वो भी एक 6-5 के स्कोर के साथ में खत्म हुआ था तो आई एम गेसिंग कि ये राउंड भी बहुत ज़्यादा इंटेंस जाने वाला बट मिशन अपनी टीम से बॉम्ब पिक किया हुआ कुछ ग्लिच हुआ था फंस गए थे एक जगह पे बट आगे बढ़ते जा रहे हैं एक ट्रॉफी सिस्टम लगा रहे परफेक्ट जगह पे कंट्रोल रूम टॉप पे जहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करने वाले हैं थर्माइट आ चुके सामने से एंड थर्माइट्स का कुछ फायदा नहीं हुआ बट जहाँ पे वेगस के पास में एक थर्माइट आई जिसका भी फायदा नहीं हुआ एक और थर्माइट उसका भी फायदा नहीं होने वाला है एंड यहाँ पे प्लस अपनी पोजीशन होल्ड करने वाले बट लर्न सिक्योर्ड वन किल फॉर हिज टीम हल्का सा थर्माइट का डैमेज लिया लेकिन एक किल निकाल लिया अपनी टीम के लिए नेड आगे थ्रो करेंगे बट नेड का फायदा हुआ ट्रॉफी सिस्टम कहाँ पे गया ये ओके सो मिश बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है एंड शायद उनको फिनिश ऑफ किया जा सकता है प्लस आप पूछेंगे ना वेगस यहाँ पे अगर थोड़ा सा और आगे आ जाते बिल्कुल से प्लस को फिनिश ऑफ कर सकते थे बट ही नो दैट वेरी वेल कि प्लस कहाँ से जाने वाले थोड़ा सा प्री फायर वहीं पर उन्होंने दे दिया एंड प्लस को भी कॉल आउट वगैरह दे दी होगी बर्न्स को एंड बर्न्स यहाँ पे स्प्रे लेना स्टार्ट कर दिए थे एक प्लस उन्होंने फिनिश ऑफ भी कर दिया एंड वॉल्विंग स्प्रे इस टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं श्री को फिनिश ऑफ किया जा सकता है विद अ वंडरफुल वॉल्विंग स्प्रे श्री ने अपनी टीम से बॉम्ब पे कर लिया तुरंत ही पीछे भागते हुए बट इट्स अ 3v5 सिचुएशन फॉर रेकनिंग ईस्पोर्ट्स राइट नाउ जो कि हो चुके 2v5 के बिकॉज लर्न ने एक ओपलर चीज़े को फिनिश ऑफ कर दिया एक ओपलर को स्पॉट कर लिया उन्होंने एंड श्री उनको बैकस्टेप करके डाउन करेंगे बट डेथ हुए बहुत ज्यादा लेट एंड श्री ने दो किल्स अपनी टीम के लिए सिक्योर कर लिए बट क्या श्री अभी सर्वाइव कर पाएंगे अपनी टीम में डेथ के साथ आ चुके दोनों बस अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं एंड एकदम हार्ड स्कोप करके बैठे हुए इस टाइम पे अगर वेगस पोजीशन की है तो वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे बट वेगस समझदार है वो नहीं जाने वाले उनको पता है कि कहीं पर भी अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं एंड अब वो भी सिर्फ अपनी शायद पोजीशन ही होल्ड करने वाले हैं न्यूट्रिनो भी कंट्रोल रूम नंबर 2 पे टॉप पे हैं एंड उसके अलावा वेगस बॉम्ब साइट के पास में और बर्न्स भी अभी ए बॉम्ब साइट के पास में जाते जा रहे हैं सो एक पोजीशनिंग अगर देखें गन कॉम्बिनेशन के साथ में तो बहुत ही बढ़िया पोजीशनिंग ली जा चुकी है बर्न्स जिनके पास में एक LMG है वो ए बॉम्ब साइट पे थे बट यहाँ पे डेथ ने अभी भी न्यूट्रिनो को फिनिश ऑफ कर दिया सो ये दोनों प्लस क्या यहाँ पे 2v5 क्लच को अंजाम दे देंगे अपनी टीम के लिए लेकिन डेथ बहुत ज्यादा लेट हुए एंड यहाँ पे श्री हो चुके फिनिश ऑफ डेथ भी 1 HP बचे हुए जिनको भी वेगस फिनिश ऑफ कर देंगे एंड इसी के चलते पहला जो तो हुआ टीम मेहम का लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डेथ ने अपनी टीम के साथ में परफॉर्म किया था बट अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट क्लच नहीं हो पाया डेथ और श्री की तरफ से लेकिन स्टिल जिस तरीके से 3 किल्स उन्होंने सिक्योर किए दैट वाज रियली अ नाइस ट्राई तो ये 1 पॉइंट हो चुका है टीम मेहम का वो नज़दीक आ रहे हैं इस पूरे पूरे मैच को यहीं पे 4-0 के साथ में खत्म करने के लिए टीएसटो को फिनिश ऑफ करने का पूरा ट्राई किया जाएगा टीएसटो के पास में लोकस है शॉट वगैरह दिए उन्होंने बट उनके फायदा नहीं हुआ लेकिन बर्न्स ने यहाँ पे मिश को फिनिश ऑफ कर दिया बर्न्स इज इन डेंजर है उनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा विद दैट थर्माइट बाय मिश एंड मिश अभी कहाँ पे मौजूद है ओके मिश की थर्माइट पहले ही थे ओके या मिश फिनिश ऑफ हुए उन्होंने थर्माइट पहले ही थ्रो कर दी थी उस थर्माइट से बर्न्स फिनिश ऑफ हुए मतलब हम तो मरेंगे लेकिन तुमको भी मार के ले जाएंगे इज द मोटो ऑफ मिश तो बढ़िया चीज है आप सो हल्का सा डैमेज मिला टीएसटो को बट पीछे प्लेयर आ चुका है एंड उनको चीजें कर देंगे फिनिश ऑफ ब्रोस को फिनिश ऑफ करके रखेंगे स्पोर्ट्स एक बढ़िया से एडवांटेज में आते हैं न्यूट्रिनो ने एक किल सिक्योर किया 3v3 की सिचुएशन हुई बट वही अब टाइम बहुत कम बचा प्लस के पास में लर्न यहाँ पे आ चुके एक शानदार उन्होंने जंप किया ऐसा लगा कि दोनों प्लस को एलिमिनेट कर देंगे अकेले बट यहाँ पे एक को जरूर से डाउन किया जाएगा एंड शॉट मिस अनफॉर्चुनेटली एंड लर्न को किया जाएगा फिनिश ऑफ विद दैट वॉल्विंग स्प्रे बाय श्री एंड श्री को भी स्पॉट किया जा चुका है हल्का सा उनको डैमेज मिला न्यूट्रिनो के द्वारा वेगस ने फिनिश ऑफ कर दिया श्री को एंड सामने सिर्फ एक ओपला बचा एंड वेगस ने को भी डाउन कर दिया विद इस वंडरफुल QQ9 स्प्रे जिसके चलते सेकंड पॉइंट होगा टीम मेहम का वेगस ने कर दिया बॉम्ब भी डिफ्यूज अपनी टीम के लिए एंड जिस तरीके से लास्ट में 2 किल्स उन्होंने निकाले इट वाज एक्सट्रीमली वंडरफुल एंड लास्ट किल तो एक्चुअली डेथ खुद ही आ गए कि चलो एक काम करो कोई बात नहीं है हम संभाल लेंगे हम मार देंगे एंड बाय द वे या इट्स द बेस्ट ऑफ 7 फॉर्मेट मैच तो मिशन अपनी टीम से बॉम्ब पिक किया हुआ है इस बार एंड रेकनिंग स्पोर्ट्स बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं पहले ही 3 राउंड्स वो हार चुके तो एक प्रेशर बहुत बड़ा उनके ऊपर बिल्डअप हो चुका है एंड इस राउंड में भी उनको 2 लगातार राउंड्स हराए जा चुके हैं बर्न्स आए पुशिंग किए हल्का सा डैमेज दिया प्लेयर को एंड श्री को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाने वाला है एंड या श्री को फिनिश ऑफ किया भी गया विद दैट हेडशॉट बाय बर्न्स बट बर्न्स भी बहुत ज्यादा लिट हुए थर्माइट का यूज हुआ बर्न्स सही टाइम पे अपने कवर में आ गए अदरवाइज फिनिश ऑफ हो सकते थे लेकिन यहाँ पे मिश एंड डेथ दोनों लोग डाउन हो जाएंगे एट द सेम टाइम बाय लर्न अलोन लर्न यहाँ पे नेट से भी प्लस को फिनिश ऑफ कर रहे हैं DLQ से भी प्लस को फिनिश ऑफ कर रहे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने लर्न को हमेशा नोटिस किया है कि वो समिट मैप पे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं पता नहीं क्यों बट समिट मैप में उनके बहुत किल्स रहते हैं ग्रेनेड्स वगैरह भी अच्छे रहते हैं स्नाइपिंग भी बहुत ज्यादा रहती है एंड यहाँ पे TSO भी टीम से लास्ट बचे थे वेगस वंस अगेन सिक्योर लास्ट 2 किल्स फॉर हिज टीम एंड जिसके चलते तीसरा पॉइंट होता हुआ टीम मेहम का सो मेहम सिक्योर 3 consecutive राउंड विक्ट्रीज इन देयर हैंड्स एंड बस उनको 3 और पॉइंट्स चाहिए और वो हो जाएंगे पूरे के पूरे मैच के विनर
सो देखते हैं अबे क्या होने वाला। वेगस तो लास्ट में दो किल्स उठा ही लेते हैं बहुत ही खूबसूरती से, एंड सारे के सारे प्लस अगर देखा जाए ओवरऑल बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। लायन भी अपनी टीम से एक बेहतरीन स्नाइपिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, वेगस भी एक शानदार स्लेइंग कर रहे हैं, एलएमजीज का यूज बर्न्स बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, एंड यहाँ पे बर्न्स पोशन के बाद एकदम सही मूव। अगर अपने यहाँ पे ज्यादा स्प्रे देते तो शायद टीएसओ का एक पटका पड़ सकता था उन पे, बट श्री बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। श्री आ चुके अपने टीममेट्स के साथ में, एक अच्छा बैकअप को मिल जाएगा, बट यहाँ पे नेड आया है, नेड से बहुत ही ज्यादा बच गए रेकनिंग के प्लस, अदरवाइज फिनिश ऑफ हो सकते थे। वेगस ने एक प्लेयर को डाउन किया बट उनको भी फिनिश ऑफ किया गया बाय डेथ एंड न्यूट्रिनो। यहाँ पे श्री को एलिमिनेट कर चुका, वेयर वाज न्यूट्रिनो? ओके न्यूट्रिनो का बहुत दूर से स्प्रे नहीं देती, वंडरफुल। सो चीजें भी एक लोग अभी भी डाउन के, बट मेहम स्टिल इन मैन एडवांटेज, इट्स अ 3v2 सिचुएशन। डेथ को किया गया फिनिश बाय लर्न, एंड लर्न यहाँ पे बढ़िया तरीके से प्लस को फिनिश ऑफ करे, बट चीज इज द लास्ट सर्वाइवर जिन्होंने हल्का सा डैमेज दिया लर्न को, बट उनको भी फिनिश ऑफ किया जाने वाला है, जो कि न्यूट्रिनो ने कर दिया उनको फिनिश ऑफ, एंड चौथा पॉइंट होता हुआ टीम मेहम का। सो आई गेस द रिजल्ट्स आर क्लियर, मेहम इज गोना विन दिस कंप्लीट लीग आई गेस सो, बट हु नोस क्या पता अभी भी एक कमबैक हो जाए उनकी तरफ से, एंड या फिर कुछ लास्ट राउंड में एकदम इसका एकदम एंड ऑफ द राउंड में कुछ ना कुछ एक खतरनाक सा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल जाए। तो मिश अपनी टीम से बॉम्ब पिक किए हुए आगे बढ़ते हैं अपने टीममेट्स के साथ में, एंड तीन से चार प्लस एक्चुअली सारे के सारे प्लस ये साइड पर जा रहे हैं, एकदम हार्ड पुश करते हैं। ए पे अगर हम लोग देखें तो मेहम का कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है, एंड अगर एक भी प्लेयर मौजूद हो तो किल से क्या जाता है, बट बर्न्स यहाँ पे आते हुए RT50 के शॉट से तो दो प्लस को फिनिश ऑफ कर दिया। बर्न्स इज ऑन फायर, बढ़िया तरीके से यहाँ पे दो प्लस को डाउन किया, बॉम्ब भी ड्रॉप हो चुका है, एंड टीएसओ को भी स्पॉट किया, उनको भी डाउन किया जाएगा किसी भी टाइम। टीएसओ ने पीक किया, उनको भी फटका पड़ेगा, वो भी हेड शॉट पड़ चुका है उनको, एंड बर्न्स सिक्योर 3 kills फॉर हिज टीम। उनके टीम मेट ब्रोस फिनिश ऑफ हो चुका है, बट स्टिल मेहम इज इन मैन एडवांटेज, एंड ये चीज उनको बहुत ज्यादा फायदा देगी। सारे के सारे प्लस अलग अलग जगह से घेर रहे प्लस को, एंड न्यूट्रिनो यहाँ पे चीजें को डाउन के सामने को प्लस मौजूद, न्यूट्रिनो की क्या फिनिश ऑफ, बट श्री इज द लास्ट सर्वाइवर फ्रॉम हिज टीम, एंड वेगस उनको स्पॉट करके अपनी टीम के लिए वो लास्ट किल निकालेंगे वंस अगेन, जिसके चलते फिफ्थ पॉइंट हो चुका है टीम मेहम का। सो मेहम इज जस्ट डोमिनेटिंग लाइक हेल, 5 consecutive राउंड विक्ट्रीज उन्होंने अभी तक निकाल लिया, उनको चाहिए सिर्फ एक और पॉइंट और वो हो जाएंगे पूरे के पूरे लीग के विनर, क्लैक्सन प्रो लीग के विनर। मेहम होने वाले कुछ ही छड़ों में आई गेस, क्योंकि अब कमबैक बहुत ज्यादा मुश्किल है रेकनिंग ईस्पोर्ट्स के लिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या ये कमबैक होगा या फिर मेहम यहाँ पे विनर बनने वाले हैं? बाय द वे साइड हो चुका है स्विच, मेहम को मिल चुका बॉम्ब प्लांटेशन पार्ट, बॉम्ब डिफेंडिंग पार्ट जा चुका है रेकनिंग ईस्पोर्ट्स के पास में। लर्न विद स्नाइपर पुशिंग करते जा रहे हैं आगे प्लस को स्पॉट करके, तुरंत ही डाउन करना चाहेंगे, मोलोटोव सामने से यूज होती है, ट्रॉप भी सिस्टम लगाया जा चुका है, लर्न को हल्का सा डैमेज मिला विद दैट थर्माइट, बट अभी करेंटली वो सेफ एंड प्लग स्पॉट का। ओ थोड़ा सा शॉट मिस हुआ, दूसरा शॉट भी मिस हुआ, ग्रेनेड से भी फायदा नहीं हुआ, एंड यहाँ पे वेगस ने डेथ को फिनिश ऑफ कर दिया। मिश भी प्लग डाउन के बट वेगस से क्योर 2 kills फॉर हिज टीम, एंड पुशिंग करते आ रहे बर्न्स एंड टेस्टो को डाउन कर दिया, एंड मिश यहाँ पे डाउन हो चुके। श्री इज द लास्ट सर्वाइवर, कैन श्री सर्वाइव हियर? आई डोंट थिंक ही कैन सर्वाइव हियर, बहुत ज्यादा मुश्किल उनके लिए 1v4 क्लच करने। सामने से प्लेयर लर्न ने उनको फिनिश ऑफ कर दिया, जिसके चलते कंप्लीट मैच हो चुका है टीम मेहम का विद द स्कोर ऑफ 4-0, एंड मेहम बन चुके द विनर ऑफ क्लैक्सन प्रो लीग विद अ वंडरफुल विद अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इन अगेंस्ट ऑफ रेकनिंग ईस्पोर्ट्स। बट रेकनिंग ईस्पोर्ट्स भी फर्स्ट रनर अप बने इस लीग के, वो बन चुके सेकंड पोजीशन होल्डर ऑफ क्लैक्सन प्रो लीग। सो रेकनिंग भी यहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी राउंड नहीं जीत पाए वो, पूरा पूरा राउंड नहीं जीत पाए वो, एंड सर्च एंड डिस्ट्रॉय में भी एक भी राउंड नहीं जीत पाए वो। बाहर के राउंड तो अलग ही हैं, सर्च एंड डिस्ट्रॉय के अंदर के भी राउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो वो राउंड्स भी उनके नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। सो वेगस इज द एमवीपी फॉर हिज टीम विद टोटल ऑफ 9 kills, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया अमाउंट ऑफ किल्स सिक्योर किए अपनी टीम के लिए। बर्न्स के 8 kills अपनी टीम के लिए, लर्न के भी 8 kills हैं, न्यूट्रिनो इज एट 4 kills फॉर हिज टीम, एंड ब्रोस कर रहा है 1 kill अपनी टीम के लिए। सो लर्न ने अपनी ग्रेनेड से भी फायदा उठाया, अपनी डीएल से भी फायदा उठाया, वेगस ने हमेशा मोस्टली लास्ट किल्स निकाले अपनी टीम के लिए, एंड पर्टिकुलरली जो लास्ट राउंड हम लोग का हुआ उसमें तो उन्होंने स्टार्टिंग के 2 kills निकाले अपनी टीम के लिए। सो दैट वाज वंडरफुल, वेगस क्लियरली डिजर्व दिस एमवीपी टाइटल, साथ साथ में लर्न भी ये टाइटल डिजर्व करते हैं। बर्न्स ने जो एलएमजी का योगदान दिया दैट वाज सो ग्रेट। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को, तो उनकी तरफ से चीज इज द एमवीपी विद 4 kills, श्री के भी 4 kills अपनी टीम के लिए, डेथ इज एट 2 kills, मिश इज एट 2 kills, एंड टीएसटो इज एट 0 kills फॉर हिज टीम। मतलब टीएसटो अपनी स्नाइपर से एक भी किल नहीं ले पाए, लर्न ने बैक टू बैक 8 kills निकाले टोटल अपनी टीम के लिए। आई एम जस्ट कंपेयरिंग द स्नाइपर्स। सो लेट मी शो यू द प्राइस पूल जो कि इस टूर्नामेंट का है, इस लीग का प्राइस पूल है जो हम लोग का। सो इट्स ऑन हर स्क्रीन, प्राइस पूल है $300 फॉर द फर्स्ट पोजिशन होल्डर जो कि हम लोग की टीम मेहम है, उनको मिलेगा $300 का प्राइस पूल, प्लस इतना ही नहीं प्लस 2500 डॉक्टर बैटल टोकन्स भी उनको मिलेंगे। सो एक बहुत ही बढ़िया प्राइस पूल अपने खाते में ले जाने वाले हैं टीम मेहम, एंड इट्स सो गुड फॉर देम, एंड साथ साथ में रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, GG's टू देम ब्रो। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स भी यहाँ पे $150 का जो प्राइज मनी है वो अपने हाथ में ले जाने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली उनको मिल ही चुका है, वो बन चुका है सेकंड पोजीशन होल्डर ऑफ क्लैक्सन प्रो लीग, प्लस एडिशनल 1500 डॉक्टर बैटल्स टोकन्स उनको मिले हुए हैं।
सो बढ़िया तरीके से यहाँ पे दोनों टीम्स को ये प्राइज पूल मिला, साथ साथ में हीरोज ऑफिशियल जिन्होंने हराया था फोर्स वन को इन दैट सेकंड रनर अप मैच इन दैट थर्ड पोजीशन होल्ड थर्ड प्लेस होल्डर मैच, तो उसमें हीरोज ऑफिशियल ने विक्ट्री ली थी विद अ स्कोर ऑफ 3:1, दैट वाज द बेस्ट ऑफ फाइव फॉर्मेट मैच, एंड उनको मिलेगा $50 का प्राइज पूल विथ थाउजेंड थाउजेंड डॉक्टर बैटल्स टोकन। सो या एक बड़ा सा प्राइस पूल टीम एम के हाथ में गया, रेकनिंग ने भी अच्छा प्राइस पूल में हाथ मारा एंड हीरोस ऑफिशियल को भी $50 प्लस 1000 डॉक्टर बैटल टोकन मिलते हुए। सो ये रहा हम लोग का प्राइस मनी एंड सारे टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपका होस्ट स्क्वाड्रन विदा लेता हूँ आप लोग से, मिलेंगे फिर कभी फिर किसी टूर्नामेंट में फिर किसी स्ट्रीम में और इन्जॉय करेंगे साथ में टीम्स के मैचेस या फिर नॉर्मल स्ट्रीम में भी मिल सकते हैं हम लोग। जस्ट डू इट द लाइक ऑन द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू, इफ यू गाइस गॉट एंटरटेन्ड देन जल्दी से फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, जितनी जल्दी हो सके लाइक और सब्सक्राइब बराबर से किए रहो। सो लेट्स एंड द स्ट्रीम या हु इज थर्ड, या आई ऑलरेडी टोल्ड यू फर्स्ट इज टीम में हम, सेकंड इज रेकनिंग एंड थर्ड इज हीरोज ऑफिशियल, एंड ये हम लोग का प्राइज मनी $300 प्लस 2500 डॉक्टर बैटल टोकन्स मिलेंगे टीम में हमको, $150 प्लस 1500 डीबी टोकन्स मिलेंगे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स का, हीरोज ऑफिशियल का मिलेंगे $15 प्लस 1000 डीबी टोकन्स मिलेंगे। सो जीजीज टू ऑल द टीम्स हु प्लेड इन दिस लीग, सारी के सारी टीम्स को बहुत ही बढ़िया बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट्स फॉर द फ्यूचर मैचेस एंड जो भी रहे उनके, एंड ऑब्वियसली टीम में हम ओपी ऑब्वियसली एमवाईएम ओपी। सो या लेट्स गो, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते रहेंगे, बाय बाय।